आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए वैसल हैज 60 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर हैविंग 80% एसिड। हाउ मच वाटर बी एडेड टू मेक इट ए सॉल्यूशन इन विच एसिड विल बी 60%। ए 48 लीटर, बी 20 लीटर, सी 36 लीटर, नन ऑफ दिस। ठीक है, एक वैसल है जिसमें 60 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मान लीजिए एक, ठीक है, कंटेनर है, उसमें 60 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और पानी दोनों मिला हुआ है, जिसमें 80% कंसनट्रेशन किसका ज़्यादा है, एसिड का। ठीक है, इसमें क्या बोले, कितना पानी उसमें ऐड करना है उस ड्रम में ताकि आपकी एसिड की संख्या 80% से रिड्यूस होकर 60% हो जाए। ठीक है, 80% एसिड है ना उस सोल्यूशन में, अब उसको रिड्यूस करके 60% उनको करना है, तो 60% हो जाए। तो आइए इसको करते हैं। तो 60 लीटर्स आप देखिए एसिड और वाटर का है जिसमें 80% एसिड है। ठीक है, 80% एसिड है, तो 60 का 80% कितना होता है, एसिड कितना हो गया 48, वाटर कितना हो गया 60 माइनस 48 12। ठीक है, 12 लीटर्स पानी है और एसिड है 48 लीटर्स। ठीक है, आइए इसको आगे देखें। तो हम वाटर ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने कि ऐड करने के लिए क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देने कि क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो हमें पानी ही ऐड करना है, एसिड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी ऐड करना है हमें, तो जो पानी हमें ऐड करना है जितना लीटर्स हो उस क्वांटिटी को हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स क्वांटिटी ले लेते हैं। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल संख्या पानी का। ठीक है, पानी अभी हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12। ठीक है, 12 लीटर पहले था, अभी हमने उसमें एक्स जोड़ दिया और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 60 लीटर था, उसमें एक्स पानी टोटल सॉल्यूशन में भी जुड़ रहा है। ठीक है, पानी में अब तो जोड़ ही रहे हैं, ठीक है, पानी तो जुड़ रहा है, तो पानी की संख्या हमने ऊपर लिखी और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60। इसका हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100, तो इज इक्वल टू बराबर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमने पानी की संख्या ऊपर चूँकि रखा है, पानी की संख्या एक्स प्लस 12, ठीक है, ये टोटल पानी की संख्या, तो यहाँ पे हमारे इक्वल टू ये पानी का परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पानी का परसेंट निकाल रहे हैं टोटल सॉल्यूशन में। ठीक है, ये जितना एरिया देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टोटल पानी का प्रतिशत निकाल रहे हैं पूरे सॉल्यूशन में, तो हमारा इक्वल टू बराबर कितना होना चाहिए, हमें यहाँ पे दिया है 60% एसिड। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन में अगर 60% एसिड है, अगर उसमें एसिड और वाटर ही है सिर्फ, ठीक है, तो अगर 60% एसिड है तो बचा हुआ संख्या जो है 40% वो क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो हमारे पास 40 इज इक्वल टू 40% हमें इसको वाटर लेके आएंगे। ठीक है, अगर हम 40% वाटर भी ले आएँ तो उसमें ऑटोमेटिकली 60% एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्या हमें ऐड करना है, वाटर ऐड करें तो आपको यहाँ पे पानी का प्रतिशत यहाँ पे निकालना है, एसिड का प्रतिशत नहीं लिखना है कि कितना प्रतिशत एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 60 नहीं लिख रहे हैं, इसलिए 40 लिख रहे हैं। ठीक है, 40 कैसे आया, 40% वाटर होगा, अगर 60% एसिड है तो 40% वाटर होगा। ठीक है, तो आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 100 इस तरफ आ गया, 40/100, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 100x + 1200 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 40x + 60 × 40 2400, 60x = 2400 - 1200 इस तरफ जाएगा तो x = 20 लीटर्स। ठीक है, तो हमें 20 लीटर्स पानी ऐड करेंगे तो एसिड की संख्या 60% हो जाएगी। ठीक है, और पानी की संख्या क्या हो जाएगी, 40%। ठीक है, पानी की संख्या 40% हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली 60% एसिड की संख्या भी हो जाएगी, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।